लोग क्या पढ़ेंगे सर, तो आउट ऑफ टेंस बेसिक इंग्लिश ग्रामर। इससे पहले हम लोग क्या पढ़ चुके थे, टेंस का सारा कंप्लीट हम लोग कर चुके हैं। टेंस का जितने भी पार्ट था हम लोग सारे इसमें कंप्लीट कर लिए हैं। बैठ जाइए सर, हम थोड़ा बेंच को ना हिलाएंगे और बैठ जाइए। ओके, पटाखा छोड़ेंगे क्या? ओके ओके ओके, व्हाट इज दिस? वो पटाखा। ठीक है सर, मैं वीडियो बना के आ रहा हूँ। ठीक है सर, टेंस का जितने भी पार्ट थे हम लोग सारे को कंप्लीट कर लेगा। ना देखे तो आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ पे आपका लिंक मिल जाएगा और सारे वीडियो को आप देख लेंगे तो आपको सारे टेंस में समझ सारे टेंस आपको समझ में आ जाएगा। टेंस के बाद होता है सर आउट ऑफ टेंस, जो कि जो सेंटेंस टेंस के फॉर्मूला से नहीं बन सकता वो आउट ऑफ टेंस के फॉर्मूला से बनता है। तो आइए इसको हम लोग समझते हैं। इससे पहले सर, अगर चैनल पर नए आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर लेंगे, ठीक है सर, तब आपको नोटिफिकेशन जितना भी वीडियो हम डालेंगे आपको सबसे पहले पहुंचेगा और अच्छे से आप इंग्लिश बेसिक इंग्लिश ग्रामर आप सीख सकते हैं। सबसे पहले सर इसमें देखेंगे कि इसमें कौन सा टेंस, कौन सा सेंटेंस जो होता है वो इसमें आएगा। तो देखिए, जो सेंटेंस टेंस के हिसाब से नहीं बनेगा या टेंस के फॉर्मूला से जो सेंटेंस नहीं बनेगा वो किसके अंतर्गत आएगा, तो आउट ऑफ टेंस के अंतर्गत आएगा। देखिए सर, आउट ऑफ टेंस कहेंगे किसको कहेंगे, तो हम देख लेते हैं। आउट ऑफ सेंटेंस, आउट ऑफ टेंस, तो देयर आर ऑल्सो मेनी सच सेंटेंस विच कैन नॉट बी ट्रांसलेटेड विद द हेल्प ऑफ टेंस, सो दीज सेंटेंसेस आर कॉल्ड आउट ऑफ टेंस। मतलब वैसे सेंटेंस जो कि टेंस की सहायता से या टेंस के रूल रेगुलेशन से वो उसका ट्रांसलेट नहीं किया जा सकता, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आउट ऑफ टेंस। आउट ऑफ टेंस हिंदी हम ना लिखेंगे सर, हम बोल देंगे, आप सुन करके वो आप लिख सकते हैं। ठीक है, आप लिख लेंगे कि वैसे सेंटेंस जो टेंस के रूल रेगुलेशन से उसका ट्रांसलेट नहीं किया जा सकता, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आउट ऑफ सेंटेंस है या आउट ऑफ टेंस। आप ऐसे इसको एग्जांपल देख सकते हैं। एग्जांपल सर इसका है, देखिए किसे कहा जाए, इसका सिर्फ अभी एग्जांपल देख लेते सर, इसको कैसे बनाएंगे इसका हम लोग बाद में देखेंगे। तो क्या है, एक नंबर में क्या है, तो किसे कहा जाए, इस तरह का आपको सेंटेंस मिलेगा आउट ऑफ टेंस के अंतर्गत। तो किसे कहा जाए, सभी बेईमान ही बेईमान है, तुम्हें कल आना चाहिए था, इस तरह जो है आउट ऑफ टेंस में आपको सेंटेंस देखने को मिलेगा। तो इसका आप बना सकते हैं सर होम टू स्पीक, अभी आपको समझ नहीं आता होगा कि कैसे इसको बना दिए, लेकिन इसका रूल रेगुलेशन पढ़ेंगे तो आप सारे इसको बना सकेंगे। होम टू स्पीक किस होम टू स्पीक किसे कहा जाए, सभी बेईमान ही बेईमान है, देयर इज नथिंग बट ऑल आर डिसऑनेस्ट, और तुम्हें कल आना चाहिए था, यू शुड हैव कम यस्टरडे, ऐसे आप इसको बनाएंगे। इसके सारे फॉर्मूले वगैरह को लिखेंगे सर आप और बारी बारी से देखेंगे आप, आपको समझ आएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। आउट ऑफ टेंस नहीं, आउट ऑफ टेंस में फॉर प्रेजेंट, प्रेजेंट के लिए आप देख लेंगे सर, इसमें तीन रूल होगा, प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर, प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर। पहले देख लेंगे कि प्रेजेंट में इसको कैसे यूज करेंगे, तो फॉर प्रेजेंट, प्रेजेंट के लिए, इफ़ वी हैव टू शो एनी प्लान डिटरमिनेशन और कंपल्सन ऑफ एनी एक्शन देन फ्लोइंग स्ट्रक्चर शुड बी यूज्ड। अगर हम लोगों को किसी कार्य का योजना संकल्प या वाध्यता को दिखाना होता है तब निम्नलिखित बनावट का प्रयोग किया जाता है। हम हिंदी भी आपकी सुविधा के अनुसार लिख दिए हैं सर, आप इसको पढ़ करके एक बार नोट कर लेंगे। ठीक है, किसी भी सेंटेंस में आपको योजना संकल्प और वाध्यता को अगर दिखाना होगा तब आप किस स्ट्रक्चर का नियम फॉलो करेंगे, तो सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस टू प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस कम्प्लीमेंट, ये आपका अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों में काम आएगा, अफर्मेटिव प्लस नेगेटिव। आइए इसका एग्जांपल को देख लेते हैं। ठीक है सर, आउट ऑफ टेंस में फॉर प्रेजेंट, फॉर प्रेजेंट के लिए इसमें सबसे पहले क्या आएगा, तो अफर्मेटिव आएगा सर। अफर्मेटिव का आप देख लेंगे स्ट्रक्चर, अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस टू प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस कम्प्लीमेंट। ठीक है सर, आप अगर ये हैज और हैव इसका स्ट्रक्चर क्या है, तो सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस
टू प्लस ए, नॉट प्लस टू प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट। ये हैज और हैव ये सब्जेक्ट के अनुसार लगेगा सर। अगर ये सब्जेक्ट एक है तो आप हैज लगाना, आप यहाँ लिख लेंगे। अगर सब्जेक्ट एक है तो हैज लगाना, और सब्जेक्ट अगर एक से अधिक है, दो तीन चार पाँच है, तो हैव लगाना। आप इतने बात को नोट करेंगे कि अगर सब्जेक्ट एक है तो हैज लगाएंगे, और सब्जेक्ट अगर एक से अधिक है तो क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे। ठीक है सर, ये आपका एग्जाम्पल है। आप देख सकते हैं कि हम लोगों को अंग्रेजी सीखना है, राम को किसी भी कीमत पर जमुई जाना है, महेश को कंप्यूटर सीखना पड़ता है, राकेश को अंग्रेजी सीखना पड़ा है। ठीक है, आप ये एग्जांपल देख सकते हैं। देखिए, हम लोगों को अंग्रेजी सीखना है, ये एक योजना है, नहीं योजना बना रहा है कि हम लोग को अंग्रेजी सीखना है। और देखेंगे सर, राम को किसी भी कीमत पर जमुई जाना है, मतलब एक बाध्यता है कि आपको ये करना पड़ेगा। तो अभी न बोले थे वो रूल में कि जिस सेंटेंस में किसी योजना और बाध्यता को दिखाना होगा, वो सेंटेंस इस रूल से आपका बनेगा क्या, तो सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस टू प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट। ठीक है सर, आप हैज या हैव एक लगाएंगे, ये दोनों में से सब्जेक्ट एक रहेगा तो हैज लगाएंगे, और सब्जेक्ट दो रहेगा तो हैव लगाएंगे। तो आइए इसको बनाते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे सर, तो आपको सब्जेक्ट आपको खोजना है। ठीक है, सब्जेक्ट के अनुसार ही आपका हैज हैव लगेगा, इसलिए आप पहले सब्जेक्ट खोजेंगे। तो हम लोगों को अंग्रेजी सीखना है, कौन किसको सीखना है, तो हम लोगों को तो सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट पहले देंगे। स्ट्रक्चर से चलेंगे, आपका प्रॉब्लम सही हो जाएगा। वी 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 मतलब क्या होता है, हम लोग ये सब्जेक्ट एक, देखिए वी मतलब होता है हम लोग, तो हम लोग एक से अधिक है, तो इसमें क्या लगेगा आपका, हैव लगेगा, वी हैव। देखिए, अगर नेगेटिव रहेगा तो नॉट लगाना, और नेगेटिव नहीं रहेगा तो नॉट नहीं लगाएंगे। ठीक है, हम एक में ले लिए सर, वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए। ठीक है सर, अगर नेगेटिव रहेगा तो नॉट लगाना, अगर नहीं रहेगा तो नॉट को नहीं लगाना। ठीक है सर, ये हैव दे दिया, नेगेटिव नहीं है, नॉट नहीं लगाए, टू लगाएंगे आप हमेशा, टू लगा दिए। मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो क्या कर रहा है, सीखना सीख रहा है ना, तो लर्न, LEARN, लर्न मतलब क्या होता है, तो सीखना। अब क्या सीख रहा है, तो ऑब्जेक्ट देना है आपको, जिस पर काम का प्रभाव पड़ता है वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। इस सब आप जानते होंगे सर, मैंने आपको टेंस में पढ़ाया। अगर आप टेंस के वीडियो ना देखें तो डिस्क्रिप्शन में नीचे जाइए, आपको लिंक मिल जाएगा, तुरंत वहाँ पर जाइए, आप उसको देख के पहले आइए। वी हैव टू लर्न इंग्लिश आपको सिखा रहे सर, इंग्लिश ENGLISH इंग्लिश, और लास्ट में फुल स्टॉप देंगे तब आपका प्रॉब्लम सही होगा। वी हैव टू लर्न इंग्लिश, हम लोगों को अंग्रेजी सीखना है। ठीक है, ऐसे आप इसको बनाएंगे। नंबर दो देखेंगे सर, आप फटाफट बनाएंगे। पहले सब्जेक्ट देंगे सर, तो सब्जेक्ट कौन, राम को किसी भी कीमत पर जमुई जाना है, तो किसको जाना है, राम को ना, तो राम इसका सब्जेक्ट है, आप देंगे राम, राम दे दिए। अब हैज या तो हैव में से एक लगाएंगे, राम एक हो तो क्या लगेगा आपका, हैज लगेगा, HES। देखिए, नेगेटिव रहेगा तो नॉट लगाएंगे, अन्यथा नॉट नहीं लगाएंगे, तो इसमें नेगेटिव नहीं है, नॉट को नहीं लगाए, टू जाएंगे सर, टू लगाएंगे आप, टू लगा दिए। मेन वर्ब लगाएंगे आप, क्या कर रहा है, तो जा रहा है ना, गो मतलब जाना, अब कहाँ जा रहा है, जमुई, गो टू जमुई, JMUI। आप कैसे जा रहे हैं, किसी भी कीमत पर, एट एनी रेट, RAT, एट एनी रेट, किसी भी कीमत पर नहीं, राम हैज़ टू गो टू जमुई एट एनी रेट, राम को किसी भी कीमत पर जमुई जाना है, एक बाध्यता है उसको, नहीं बाध्यता है कि आपको जाना ही पड़ेगा सर। नहीं, नंबर तीन देखिए सर, आपको नॉन स्टॉप पढ़ाएंगे, बीच में कोई आलतू फालतू बांस नहीं, ओनली कंटेंट, ओनली पढ़ाई। आइए, महेश को कंप्यूटर सीखना पड़ता है, नहीं एक बाध्यता है कि आपको सीखना पड़ेगा, तो महेश को कंप्यूटर सीखना पड़ता है। सबसे पहले देंगे क्या, सब्जेक्ट, तो महेश, MHESH, क्या हो गया, महेश एक हो गया, तो आप हैज लगाएंगे सर, सब्जेक्ट के अनुसार हैज या हैव लगता है। ठीक है, कैमरा चालू है सर, ओके कैमरा चालू है, मैं देख के अभी आया। महेश हैज, अब देखिए
नेगेटिव है तो नोट लगाएंगे, नहीं तो नोट को नहीं लगाएंगे, आप टू लगाएंगे सर, स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे, आपका प्रॉब्लम सही रहेगा, टू लगाएंगे। अब मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो क्या सीख रहा है ना, लर्न मतलब सीखना, एल ई ए आर एन, अब क्या सीख रहा है, तो लर्न द कंप्यूटर, कंप्यूटर सी ओ एम पी यू टी ई आर, लर्न द कंप्यूटर, ये द डी है, टी एच डी है, महेश हैज टू लर्न द कंप्यूटर, महेश को अंग्रेजी, महेश को कंप्यूटर सीखना पड़ता है। ओके सर, आप हम तीन नंबर बनाए सर, आप एफ एक आपके लिए छोड़े एच डब्ल्यू, राकेश को अंग्रेजी सीखना पड़ता है, मतलब मैं राकेश हूँ, आपको अंग्रेजी सीखना पड़ता है, नहीं आप इसको बना के कमेंट करेंगे सर, अगर आपको ये सब समझ आया है तो आप इसको आप बना सकते हैं, ठीक है सर। आइए नेक्स्ट चलते हैं, और नेक्स्ट होगा क्या, तो इंट्रोगेटिव इसका बनाएंगे, इंट्रोगेटिव लेते हैं सर, बी में है सर, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव स्ट्रक्चर, इसको हम लोग देख लेते हैं सर, ठीक है। तो क्या था, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, नाउ उसको पहले कर दीजिए, हैज या हैव, हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस टू प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये टू है, टू प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क देंगे, ठीक है सर। है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, एक एक में दोनों ले लिए सर, आप वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए आपको परेशान ना करेंगे हम, ठीक है। हैज या है प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस टू प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं सर। आइए नहीं हैज, आप हैज और हैव से वाकई पाएंगे सर, हैज लगाएंगे, अगर सब्जेक्ट एक रहेगा तो हैज लगाएंगे, और सब्जेक्ट एक से अधिक रहेगा तो क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे, नहीं आप ऐसे इसको बनाएंगे। आइए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, आउट ऑफ टेंस इंट्रोगेटिव देख लीजिए सर आप, स्ट्रक्चर आप इसका एग्जाम्पल देखेंगे, इसका एग्जाम्पल आप बनाइए सर, आपको मैं सब बता दिया हूँ, नहीं इसका एग्जाम्पल देखते हैं, देखिए ये रहा इसका एग्जाम्पल सर, एग्जाम्पल बनाइए आप, क्या है कि क्या आप लोगों को एक ट्रक जलाना पड़ा है, एक बाध्यता है पड़ा है, ठीक है। नंबर दो है, क्या आप लोगों को इसके विषय में जानना है ना, एक योजना बनाएं कि जानना है, क्या आप लोगों को नहीं पढ़ना है, एक योजना है, क्या मसौड़ी के जनता को पुलिस पर पत्थर फेंकना है, ठीक है योजना है, ये भी आपको योजना बाध्यता या संकल्प को दिखाना होता है तो ये स्ट्रक्चर को आप लागू करेंगे, ठीक है सर। आपको सेंटेंस आपको पहचानने आना चाहिए कि ये एक बाध्यता है, नहीं हमको जाना पड़ा है, हमको जाना है, हमको पढ़ना है, तो ये एक बाध्यता है ना, ठीक है। संकल्प लिए हैं कि हमको अंग्रेजी पढ़ना है, तो ये एक संकल्प हो गया कि मैंने ठान लिया है ये काम हमको करना है, तो ये एक संकल्प है, तो ये स्ट्रक्चर पर वो आप बना सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर एक से बनाइए सर, मैं तीन को बनाऊँगा, एक आपके लिए एच डब्ल्यू में छोड़ूंगा, ये आप जानते हैं, ठीक है सर। आइए बनाते हैं, फर्स्ट में है, क्या आप लोगों को एक ट्रक जलाना पड़ा है, नहीं क्या आप लोगों को एक ट्रक जलाना पड़ा है, तो आप सबसे पहले क्या देंगे, हैज या हैव, वो लगेगा सब्जेक्ट के हिसाब से, अगर सब्जेक्ट एक रहेगा तो हैज लगाएंगे, और सब्जेक्ट एक से अधिक रहेगा तो हैव लगाएंगे। इसमें है, क्या आप लोगों को एक ट्रक जलाना पड़ा है, तो आप लोग इसका सब्जेक्ट है, तो एक से अधिक है तो हैव लगेगा, हैव, हैव लगा, हैव लगा। उसके बाद सब्जेक्ट चाहिए आपको, तो यू वाई ओ यू, यू मतलब होता है आप लोग, ठीक है। नेगेटिव है तो नोट लगाएंगे, अन्यथा उसको एक के 47 से उड़ा देंगे ना नेगेटिव को, ओके टू सर, एक के 47 कहाँ से लाएंगे अभी, ठीक है सर आप बाद में उड़ा लेंगे। देखिए हैव यू टू, हैव यू टू यहाँ ले आ गए हैं, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो क्या कर रहा है, जला रहा है, तो बर्ड मतलब जलाना, बी यू आर एन, बर्न, अब क्या जला रहा है, बर्न ए ट्रक, बर्न ए ट्रक, टी आर यू सी के, आप ऐसे इजली इसको बना सकते हैं ना, हैव यू टू बर्न ए ट्रक, क्या आप लोगों को एक ट्रक जलाना पड़ा है नहीं, ऐसे आप इसको बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर टू देखेंगे सर, आपको नॉन स्टॉप पढ़ाया जाएगा, राइटिंग बैठ रहा है सर, बैठ रहा है। नंबर दो देखेंगे सर, क्या आप लोगों को इसके विषय में जानना है, एक योजना है सर, ठीक है योजना बना रहे हैं, क्या है? जानना है, तो आप लोग है तो हैव लगेगा आपका, एच ए बी, आप समझदार हैं सर मेरे से ज़्यादा, नहीं बनाएंगे सर आप बैठेंगे नहीं, बुलबक हैव लगा दिया, सब्जेक्ट लगाएंगे तो यू हो जाएगा आपका, वाई ओ यू, यू हो जाएगा,
नेगेटिव है तो नॉट लगाएंगे, अन्यथा उसको नहीं लगाएंगे, नेगेटिव नहीं है नॉट नहीं लगाए, उसके बाद टू लगाएंगे। आप फॉर्मूले के हिसाब से चलेंगे सर, आपका प्रॉब्लम सही रहेगा। टू लगा दिए, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या कर रहा है, जान रहा है ना, टू नो, के एन ओ डब्ल्यू, नो मतलब होता है जानना। आप किसके बारे में जान रहा है, तो इसके विषय में, तो अबाउट दिस, ए बी ओ यू टी, अबाउट दिस, इसके बारे में या इसके विषय में, आप ऐसे इसको बना सकते हैं, हैव यू टू नो अबाउट दिस, क्या आप लोगों को इसके विषय में जानना है, नहीं क्या आप लोगों को इसके विषय में जानना है। आइए क्वेश्चन नंबर तीन देखते हैं सर। क्वेश्चन नंबर तीन है, क्या आप लोगों को नहीं पढ़ना है, तो क्या देंगे, हैज, या तो हैव में से आप एक लगाएंगे, वो भी सब्जेक्ट के अनुसार, अगर सब्जेक्ट ए होता हैज, सब्जेक्ट एक से अधिक है तो क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे। देखिए है आप लोग इसमें सब्जेक्ट, तो क्या लगेगा, हैव लगेगा, एच ए बी ए सब में हैव ए लगेगा क्या सर, तो सब्जेक्ट जो है उसके अनुसार लगेगा, नहीं हैव उसके बाद यू देंगे सब्जेक्ट के, सब्जेक्ट क्या है आपका यू, उसके बाद नेगेटिव है सर, तो हाँ है, आप नोट लगाएंगे, उसके बाद टू देंगे सर, टू दिए, मैन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म खोज रहा है, तो क्या कर रहा है, पढ़ रहा है, रीड 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 रीड, आर ई ए डी, रीड, और लास्ट में आप क्या देंगे, क्वेश्चन मार्क देंगे, क्या पढ़ रहा है क्या, अगर बुक पढ़ रहा होता तो आप क्या देते, बुक देते, लेकिन बुक तो नहीं पढ़ रहा है, खाली ऐसे पढ़ रहा है नहीं, नहीं जान रहा है, तो आप थ्री नंबर तक बनाए सर, आप फोर नंबर आप इसको बनाएंगे, नहीं जिस तरह से हम बनाए हैं कुछ नहीं सर, कोई इसमें जादू मंत्र नहीं है, आप इसको रेगुलर रहेंगे इसके साथ तो आप भी सीख सकते हैं, नहीं मेरे जैसा आप भी इंग्लिश पढ़ सकते हैं। अगर सर बेसिक ग्रामर आप शुरू से सीखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं, इसके डिस्क्रिप्शन में कई वीडियो हम डाले हैं, हज़ार वीडियो, आप जा करके वहाँ देख सकते हैं, फ्री में ग्रामर सीख सकते हैं, ठीक है सर। आइए इसका इंट्रोगेटिव हो गया आपका, डब्ल्यू एच इसका देखते हैं, डब्ल्यू एच क्वेश्चन होगा सर, सी में इंट्रोगेटिव देख लिया था सर हम लोग, नेक्स्ट पिछले स्लाइड में इंट्रोगेटिव देख लिए, आप क्या देखेंगे तो डब्ल्यू एच क्वेश्चन, ठीक है सर। अगर वीडियो आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप एक बार फिर चला करके देख लेंगे, आपको दोबारा समझ में आ जाएगा, ठीक है सर। आप पढ़ाई को अगर आपको याद नहीं होता तो क्या करेंगे, इसको याद, ज़्यादा दिमाग पर अटैक नहीं लेंगे आप, इसको डेली रेगुलर मिलिए सर, आपको ज़रूर याद होगा। आप सर रोटिंग बांध दीजिए कि एक दो घंटा पढ़ेंगे इंग्लिश तो पढ़ेंगे, ठीक है, आप आधा घंटा भी पढ़ेंगे तो आपका इंग्लिश कैप्चर हो जाएगा, लेकिन आपको डेली आपको बांध करके डेली टाइम पढ़ना है। अगर आप एक दिन भी मिस किए तो आपके साथ दूसरा दिन उसको मेंटेनेंस करना पड़ेगा, ठीक है सर। तो आप आधे घंटा बांधिए, एक घंटा बांधिए, लेकिन आप डेली पढ़िए, ठीक है सर। आइए तब आप ग्रामर सीख सकते हैं, ठीक है। इंट्रोगेटिव इसका हो गया, डब्ल्यू एच क्वेश्चन देखिए, डब्ल्यू एच वर्ड ले लेते हैं, क्यू यू ई एस टी आई ओ एन, डब्ल्यू एच क्वेश्चन या डब्ल्यू एच वर्ड आप लेंगे सर, डब्ल्यू एच क्वेश्चन प्लस नेगेटिव, नेगेटिव भी ले लेते हैं, एन ई जी ए टी आई बी, नेगेटिव स्ट्रक्चर, एस टी आर यू सी टी यू आर, ठीक है सर। शुरू से देखते होंगे वीडियो तो आपको समझ आता होगा, ठीक है सर। आइए इसका स्ट्रक्चर कुछ नहीं सर, जो आप इंट्रोगेटिव में जो स्ट्रक्चर आप लिखे हैं उसके शुरू में आप डब्ल्यू एच क्वेश्चन को लगा दीजिए, ठीक है। तो आप लिख लेंगे डब्ल्यू एच वर्ड या क्वेश्चन, जो लिखने मन आप लिख सकते हैं, डब्ल्यू एच वर्ड प्लस हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट और प्लस टू प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क। सर इतना बड़ा रहेगा, हाँ मेरे सुगा इतना बड़ा रहेगा, हाँ मेरे भैया इतना बड़ा रहेगा, इसको बना सकते हैं। थोड़ा पानी पी लेते हैं सर, आप लोग भी पी लीजिए। क्या है, डब्ल्यू एच वर्ड प्लस एज या है प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस टू प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क। हैज या हैव कब लगाएंगे, अगर सब्जेक्ट एक तो हैज, सब्जेक्ट एक से अधिक तो हैव, और इसमें कुछ नहीं है, इंग्लिश इतना इजी सब्जेक्ट कोई नहीं, कोई सब्जेक्ट नहीं, लेकिन आप इसको रेगुलर सीखें तो आप डर जाते हैं, इसलिए
इसको नहीं सीख पाते। आप डरिए नहीं सर, अगर याद भी नहीं होता है तो इसको एक घंटा रेगुलर बनिए और डेली पढ़िए, कैसे नहीं याद होगा, मेरे जैसा आपको याद हो जाएगा। आइए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। मेरे पेन को भी भूख लग गया सर, आप लोग को भूख लगता है तो क्या, मेरे पेन को भूख नहीं लगता है। आप पढ़ाई से सर कभी मुंह न मोड़ेंगे, पढ़ाई से आप कभी मुंह न, हम इसमें तीन को बनाएंगे सर, आपको दो को बनाना पड़ेगा, ठीक है सर। इसका स्ट्रक्चर आप देख लीजिए, ठीक है। एंड डब्ल्यू एच वर्ड प्लस एज या एप प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस टू प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क। नहीं, आप डब्ल्यू एच वर्ड को सर आप पहले खोज लेंगे, ठीक है सर। डब्ल्यू एच वर्ड क्या होता है, तो डब्ल्यू एच वर्ड वो होता है सर जो क्वेश्चन, जो वर्ड, जो मीनिंग डब्ल्यू एच से स्टार्ट होता है, जिससे क्वेश्चन को पूछा जाए उसे डब्ल्यू एच वर्ड कहेंगे। जैसे सर इसमें देख लीजिए, पुलिस को वहाँ आंसू गैस क्यों नहीं प्रयोग करना पड़ा है, तो वाय 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 मतलब क्यों, देखिए क्यों मतलब इससे क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है, और ये W से स्टार्ट हो रहा है, W H Y, Y मतलब क्या होता है तो क्यों, ये W से भी स्टार्ट हो रहा है और इससे क्वेश्चन को पूछा जा रहा है, तो ये क्या हुआ W H क्वेश्चन या W H वर्ड। इसमें आप देख लेंगे, आप लोगों को रात में कब, देखिए कब कब when 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 W H N when मतलब होता है कब, और इससे क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है, नहीं कब सोना पड़ा है, पड़ता है वा देता है। वे लोगों को क्यों शाम में सोना पड़ता है, क्यों क्यों क्यों, देखिए वाई 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 मतलब होता है क्यों, तो इससे क्वेश्चन में पूछा रहा है, और डब्ल्यू एच भी स्टार्ट है, डब्ल्यू एच से भी स्टार्ट है, देखिए वेन, फिर देखिए क्यों, ये सारे को आप पहले क्या करेंगे, टिक कर लेंगे, नहीं डब्ल्यू एच वर्ड को आप पहले टिक कर लेंगे, उसके बाद इसको आप फॉलो करेंगे, बनाएंगे, तब आप नहीं भूलेंगे, यानी था आप गलती बना देंगे, ठीक है सर। नंबर एक से आप इसको बनाइए। नंबर एक में क्या है कि पुलिस को वहाँ आंसू गैस क्यों नहीं प्रयोग करना पड़ा है, तो आप सब्जेक्ट सब्जेक्ट के हिसाब से चलेंगे सर, आप सब्जेक्ट सब्जेक्ट देखिए नंबर एक में क्या है, तो पुलिस को वहाँ आंसू गैस क्यों नहीं प्रयोग करना पड़ा है, तो आप डब्ल्यू एच वर्ड्स सबसे पहले खोज के लिखेंगे, तो वाई, देखिए सर वाई मतलब होता है क्यों, वाय हो गया आपका, और हैव में तो हैज या तो हैव में से आप एक लगाएंगे, वो सब्जेक्ट के हिसाब से लगेगा, तो सब्जेक्ट एक रहेगा तो हैज लगाएंगे, और सब्जेक्ट एक से अधिक रहेगा तो हैव लगाएंगे, तो यहाँ देख लेंगे पुलिस को, तो वाय पुलिस एक नहीं रहता सर, एक से अधिक रहता है, तो हैव लगेगा आपका, वाय हैव द पुलिस लगेगा, वाय हैव द पुलिस स्ट्रक्चर से चलेंगे, वाई हैव दे दिए, सब्जेक्ट दे दिया, आप नोट लगाएंगे क्या, अगर नेगेटिव है तो लगाएंगे, नहीं होता इसको नहीं लगाएंगे, तो नेगेटिव है सर आप नोट को लगाएंगे, नोट लगा लिए, अब क्या चाहिए आपको, टू देंगे सर, हमेशा टू को देना है, अब मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या कर रहा है, तो प्रयोग करना मतलब यूज, यूज मतलब प्रयोग करना, अब क्या प्रयोग कर रहा है, तो टीयर टीयर गैस ना, यूज टीयर गैस, यूज द टीयर गैस, यूज द टीयर टी ए आर टीयर जी ए एस टीयर गैस, अब कहाँ यूज कर रहा है, तो वहाँ यूज कर रहा है, तो देयर होगा सर, देयर टी एच ई आर देयर मतलब क्या होता है, तो वहाँ, और लास्ट में आप सुगा जैसा क्वेश्चन मार्क इसको आप लगाएंगे, वाई हैव द पुलिस नॉट टू यूज द टीयर गैस देयर, पुलिस को वहाँ आंसू गैस क्यों नहीं प्रयोग करना पड़ा है, ऐसे आप इसको बना सकते हैं, स्ट्रक्चर से आप चलेंगे तो आपका प्रॉब्लम गलत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर दो से आप चलेंगे सर, क्वेश्चन नंबर दो, क्वेश्चन नंबर दो है कि आप लोगों को रात में कब सोना पड़ता है, देखिए सबसे पहले क्या देंगे आप, डब्ल्यू एच वर्ड देंगे, तो डब्ल्यू एच वर्ड आपका कहाँ है, वैन वैन डब्ल्यू एच ई वैन डब्ल्यू एच ई एन वैन दे दिए, आप हैज या तो हैव में से आप एक लगाएंगे, तो अगर सब्जेक्ट एक है तो क्या लगाएंगे, हैज लगाएंगे, देख लीजिए सर आप लोग है, और आप लोग का होता है यू, यू एक नहीं होता सर, एक से अधिक होता है, तो क्या लगेगा, हैव लगेगा, एच ई वी हैव दे दिए, उसके बाद आप सब्जेक्ट देंगे तो यू वाई ओ यू यू दे दिए, अगर आप नेगेटिव है सेंटेंस में तो देंगे, अन्यथा उसको नहीं देंगे, तो नेगेटिव नहीं है, नोट को नहीं लगाए, टू लगाएंगे आप,
टू लगा दिए, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो सो रहा है ना, सोना है, स्लिप, एस एल डबल ई पी, स्लिप मतलब सोना। अब कब सो रहा है, रात ना, इन द नाइट, रात में, इन द नाइट, इन द नाइट, एन आई जी एच टी। और लास्ट में आप क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, व्हेन हैव यू टू स्लिप इन द नाइट, आप लोगों को रात में कब सोना पड़ता है, ऐसे आप इसको बनाएंगे। आउट ऑफ टेंस का ये फर्स्ट वीडियो है सर, अगर आप देर से जुड़े हैं तो आप जान लीजिए कि आउट ऑफ टेंस का ये फर्स्ट वीडियो है। मैंने टेंस का सारा वीडियो, सारा रूल रेगुलेशन बता दिया, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, जा करके आप देख सकते हैं। ये इसका फर्स्ट वीडियो है आउट ऑफ टेंस, वो किसका, तो प्रेजेंट का, फॉर प्रेजेंट, प्रेजेंट के लिए, वर्तमान टेंस के लिए, प्रेजेंट टेंस के लिए। इसमें तीन वो आएगा सर, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। हम पहले प्रेजेंट में बताएंगे, उसके बाद पास्ट, उसके बाद फ्यूचर। तो आइए क्वेश्चन नंबर तीन, यहाँ दिख रहा है सर, यहाँ दिख रहा है, ओके। क्वेश्चन नंबर तीन देखिए सर, वे लोगों को क्यों शाम में सोना पड़ता है, कब शाम, एक ही हम दे दिए क्या, एक के लिख दिए, अच्छा कोई बात नहीं, वे लोग को दिए थे, वे लोगों को, तो दे हो जाएगा सर, नहीं दे नहीं होगा। डब्ल्यू एच वर्ड सबसे पहले खोज के दीजिए, तो डब्ल्यू एच वर्ड वाई, वाई वाई यहाँ है, डब्ल्यू एच वाई वाई हो जाएगा, उसके बाद हैज या तो एप में से आप एक लगाएंगे, तो तीन नंबर में क्या, तो दे मतलब होता है वे लोग, तो वैन हैव लगेगा ना, हैव, चूँकि एक से अधिक होता है। और आप क्या देंगे, तो सब्जेक्ट देंगे, तो दे होगा टी एच ई वाई, दे आपका हो गया। उसके बाद नेगेटिव है तो आप नोट लगाएंगे, अन्यथा उसको 1K47 से उड़ाएंगे, तो नेगेटिव नहीं है, इसमें नोट नहीं है, आप नोट को नहीं लगाएंगे। ओके सर, बोलिए, वीडियो बना रहे हैं, डिस्टर्ब हो जाएगा, सॉरी सर। आपको कब पढ़ना पड़ता है, वे लोगों को क्यों शाम में सोना पड़ता है, देखिए वाई हो गया, हैव हो गया, दे हो गया, सब्जेक्ट हो गया आपका नेगेटिव, अगर नोट है तो लगाएंगे, अगर नेगेटिव है तो नोट लगाएंगे, अगर नेगेटिव नहीं है तो नोट नहीं लगाएंगे, ठीक है। आप ऐसे इसको बनाएंगे, देखिए देखिए, वाई हैव दे, सब्जेक्ट तक आ गए, आप नोट लगाएंगे सर, नोट है तो नहीं है, नोट नहीं लगाएंगे, टू लगाएंगे सर आप, टू, उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो तीन नंबर में क्या कर रहा है, तो सो रहा है, स्लिप स्लिप स्लिप, एस एल डबल ई पी, पिछले क्वेश्चन में भी स्लिप ही था, स्लिप। आप कब सो रहा है, तो शाम में ना, इन द इवनिंग, स्लिप इन द, इन द इवनिंग, ई वी ई एन आई एन जी, इवनिंग। और लास्ट में आप क्वेश्चन मार्क देंगे, आप क्वेश्चन मार्क नहीं देंगे तो आपका प्रॉब्लम गलत रहेगा, आपका स्ट्रक्चर गलत रहेगा, ठीक है सर। आपको सेंटेंस आप पूरे बना लिए, लेकिन आप लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं देंगे तो आपका सेंटेंस पूरे गलत हो जाएगा। मैंने आपको तीन क्वेश्चन बताए सर, 1, 2, 3, आप दो वो एच डब्ल्यू में दे रहे हैं, आप बनाएंगे, नहीं सब अभी बनाएंगे सर, आप बैठे बैठे क्या करेंगे, ठीक है सर। तो आप इसको बनाएंगे, ये ख़त्म हो गया सर, इसका डब्ल्यू एच वर्ड हम लास्ट में बता दिए हैं। ये प्रेजेंट का था कि योजना संकल्प, और किसी भी सेंटेंस में योजना संकल्प और वाध्यता को अगर दिखाना होगा प्रेजेंट में, तो आप इस रूल रेगुलेशन से बनाएंगे, आपका सेंटेंस सही होगा। नेक्स्ट क्लास में बताएंगे पास्ट में कोई भी चीज़, कोई भी घटना होगा, अगर वाध्यता संकल्प या योजना उसमें आएगा तो वो आपको बताया जाएगा स्ट्रक्चर से। ये प्रेजेंट का था, इतने था सर, नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊँगा पास्ट का योजना और संकल्प और बाध्यता। तब तक के लिए सर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, आप बने रहिए मेरे साथ, थैंक यू फॉर वॉचिंग।